सबू प्रेत मत गाख को कहीं ठेलुच कि सामना को मते तम पति सुखदेव जोगो विद्या द्वारा मुझे प्रेत लोक को आसी तरु विरह बेदन तम पति अत्यंत दुखी अच्छा से जमुना कूल में सर्वदा तुम प्रतीक्षा कर तुम ऊपर को आसब से जानवाक चाहते तुम केमी अच तरु कौन तुमको मो कथा शुणा जा कौन है तुमको मो स्वामी पठे कौन संदेश आनीच केमी अच्छा से भलरे अच्छा तुम बिना से भलरे केमी रही पारे तुमको खाली झुरुंच मु बुझीपरि बेदना से मते बहुत स्नेह करुले कि कृष्ण तुम्हें प्रेत लोक कौन करने को आसीच मु भी जन को स्नेह कै खोजा ये आसी कौन तुमको जना अच्छे मो बाबा कौटी अच्छा केमी अच्छा प्रेतलोक मृत्युलोक को फेरी आसवा असंभव कृष्ण जदि तुमको तुम प्राण प्रिय तुम फेरी जाओ मो बाबा को यठार नी मु आदौ फेरी जीवनी मूर्खता कर ना कृष्ण प्रेतलोक मनुष्य वर्जित अटे जीवित एठार कही जापारे ना जी थे एठाक आसी प्रेत जोनी को प्राप्त हो जाए तुम पिता एठी प्रेत लोकर स्वामी बंदी करके रखी मुक्त करे असंभव कृष्ण मुक्त करने तुम स्वयं तुम मृत्यु को आमंत्रण करदेल यह विशाल वृक्ष को तुम कहीं स्पर्श कल कृष्ण से आसुची कृष्ण तुम काल आसुची किए कौन कह तुम से ही पिशाचुणी जार आम समस्ते दास से एठिकार स्वामी अच्छा ताहले से ही प्रेतात्मा जे जमुना कूल में अर्धरात्रि लोक जल भितर को टाणी निए निश्चय से मो बाबा विषय जानते क्षमा कर दि मत जना ना तुम राजा गुप्तचर मु तुमको विनती कर महाराज कंस को मोर भूल कार्य विषय कहबना ना मत जीवन रू मारिदे मत क्षमा कर दि ठीक अच्छे कह कि तमें मत गोटे सा कृष्णर शरीर को मते मथुरा रे पहुंचे को महाराज कंस को उपहार स्वरूप भेटी दबा को हबो किंतु तुमे जीवो किपरि ए दिन दीपहरे लोकों को आखिरे धूली जाई कृष्ण को केमिति नै जाई परिबो बुद्धिमान कथा कहू सुन कृष्णर शरीर को घोड़ेबा पाई मते गोटे चादर किंबा गोटे मुनि मिलिबो आ मु एबे नै कि आसुची जा Oh,
जुगरु मु प्रेत लोकरे बास करूछि किंतु प्रथम थर ए भली प्रतीत हेउछि जे किए जणे मते स्वयं डाकुछि निजर प्रत्यक्ष मृत्यु को स्वयं निमंत्रण करिछि बिना ए भली किए करि पारिबो कृष्ण मु मो बाबांगु नबाकु आछि जहां को तमे छलना करी बंदी करी रखी जा छलना करी मु किछि भूल करी नहीं कृष्ण रात्रि रो सेई प्रहर रे एही काल समय रे जल रे जिए प्रवेश करिबो तांको उपरे प्रेत लोकर अधिकार थाए एही नियम अटे एही विधान नियम उल्लंघन तुमे तो करिच शरीरु निज आत्मा को योग माध्यम रे अलगा करी तुमे निजे प्रेत लोक रे प्रवेश करिच एहा सत्य विधि रो विधान अनुसार तुमे तुम कर्म कल आउ मु मो धर्म करबे मु मो बाबा को प्रेत लोक रु मुक्त करबा को आसीछि किंतु से मुक्ति तुमे नुह मु देबी दुई जन पिता पुत्र को मनुष्य जोनिरु प्रेत जोनि को एवं तमे दुहे पिता पुत्र एही प्रेत लोकरे बंदी रहिबो जन्म जन्मांतर पर्यंत कृष्ण मो बाबा कोठ लुचे रखी छो मो बाबा को मारिबो कृष्ण आमे प्रथमरु प्रेत तुम चक्रर प्रभाव आम प्रेतंक उपरे पड़िबो नाही जहार थरे मात्र मृत्यु होईची ताहा पुनर्बार हेबो नाही अरे कुआडे गला से एते डेरी कर देलु मूर्खों का भली काम कुआडे चल जाइथलु मु भाबिली कि तू कौन कहउछंती मान्यवर मोर एते दुस्साहस जे मु आपन को आखिर धूली देबी वृंदावन रे चारियाडे लोक चराचर करउछंती तांको आखिरु लुची लुची आसी छै टिकी सेतिपई मते विलंब होई गला गोटे कथा को आरो परिवार लोक तो आकु खोजुथिबे तते से माने देखिचंदी से माने जदि मते देखिनेबे ताहले तो मते संदेह करिवे तू गोटे काम कर ए बस्ता को तू उठा एवं मते सेई ग्रामर सीमा रे छाडी देयास तू तो पागल तो परे कई संदेह करिवे नाही ठीक ना चल हे
अरे मूर्ख कौन कलु उठा कु अरे मूर्ख चाल शीघ्र चाल तमें नंदराजों को सेवक हो ना नंदराजों को किसी खबर मिला ताहले सुखदेव एठी की फेरी की आसी थी अरे सुन लो तमे एठी गोटे पागल को देखी थिलो कि एठी एई जमुना कूल रे बसी थिला ए पाद चिन्ह एका भली लागुछि ए रुह अरे तमकु कहुछि रुह रुह परी नाटक करी मत ठकी मोठू बंचिकी जा तू कौटी लुचेक रखी कृष्णर शरीर को कह कौटि लुचे रखी नोते कह मो कृष्णर शरीर को केबे भी आनी भी नहीं से जो भी अच्छा सुरक्षित अच्छा तू एमती मानव ना तू एमिती मानिबु नहीं तो मत भी मुह खोल जना अरे उठ तू मूर्छित तो है मोठारु बंची पारिबु नहीं उठ मु तते कहूची उठ उठ आखी खोल अरे उठ जड़ा नहीं सुखदेव कौटी लुचे रखी कृष्ण शरीर को थे मिलीगले एठी अंतिम संस्कार करदेवि जीवित केमी देला
ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତୁମର ଦାସ ନୁହଁ, ଇଏ ଦାସର ରୂପରେ କଂସର ଗୁପ୍ତଚର। ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ୟାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ସେବକ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଂସଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯାଅ ତମ ସ୍ୱାମୀ କଂସଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରଦ, ଏମିତି ମନେ ମନେ କାହିଁକି ହସୁଛ? କ'ଣ ଦୟା କରୁଣା ଅଭୟଦାନ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ନୁହଁ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଅତୀବ କୁଟିଳ ପ୍ରାଣୀ, ଦୟାକୁ କରୁଣାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ଦାନକୁ ମୂର୍ଖତା। ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣ ସେ ମୂର୍ଖକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ନା ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏହା ତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାହାର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନାରଦ, ମୁଁ ତ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବି, ସତ୍କର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନାରଦ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଠିକ ହେଲା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେତ ପିଶାଚୁଣି କ'ଣ ତାର ପ୍ରେତଜନୀରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ସେ ତାର ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପାଇବ? ପ୍ରଭୁ ଦେବରୁଷି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ଅଛି କି କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଭଲ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭଲ, ଖରାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ଖରାପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କର୍ମ ହିସାବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପିଶାଚିନିର କର୍ମର ଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ତାହାର ବିନାଶ ତାହାର ଉଦ୍ଧାର, ଆଉ ଏହା ହିଁ ନିହାତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଧନ୍ୟ ଆପଣ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅପରମ୍ପାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅପରମ୍ପାର, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ।